जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती की सबसे तगड़ी जानकारी आप लोगों के बीच में मैं लेके आ चुका हूँ। जितने भी लड़के 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास हैं और सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भर्तियां आ रही हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और JCO रैंक पे जो नहीं आ पा रही हैं उनकी क्या अपडेट है वो भी बता देता हूं, और JCO रैंक वाले किस भर्ती को देखें, ठीक है। तो आज की जानकारी बहुत ही खास और खुफिया होने वाली है सेना भर्ती को लेकर, और ये जानकारी सिर्फ मेरे सब्सक्राइबरों के लिए है जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। और जितने भी नहीं जुड़े हैं फटाक से जुड़ जाइए, ठीक है। और कौन कौन सी भर्ती आ रही है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ, और ये अपडेट 2022 की आगामी भर्तियों को लेकर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आर्मी की वेबसाइट पे, जो JCO रैंक की वैकेंसियों को लेकर नोटिफिकेशन कुछ हफ्ते पहले जारी किया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तीन ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए गए थे जिसमें बताई गई थी कि क्या पुरानी भर्तियों को क्यों नहीं कराया जा रहा, उसके बाद जो नई भर्तियां आ रही हैं दूसरे लेवल पे, दूसरे रैंक पे लड़के कैसे नहीं देख पा रहे हैं। इस PDF को देखने के बाद यहाँ पे सिर्फ दो आंसर क्लियर हुआ है, ये तीन ऐसे ही PDF जारी हुआ है तीन राज्य का, ठीक है। सबसे पहले 2021 की जो भर्ती रुकी है उसे दिखाया गया है COVID-19 की वजह से यहाँ पे श्रीनगर का, और सेम यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी दिखाया गया है जो बरेली और बनारस, ठीक है, ARO बरेली और बनारस वाराणसी का सेम वही दिखाया गया, और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ARO मंडी के लिए भी सेम नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। ARO मंडी के लिए भी सेम यही नोटिफिकेशन 2021 की COVID-19 को दिखा के बता रहे हैं कि फ्रेश डेट दोबारा रिलीज होगी, लेकिन अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि हो सके तो आपको दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करने को भी देखने को मिलेगा, जहां पे लड़कों का पुराना फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और वहां से उन लोगों की जिनकी डेट ओवर हो चुकी है वो दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो नई बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी तैयारी करते हैं, हालांकि आप लोगों ने अभी BSF कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म आया था डाला होगा, तो अगर तैयारी करते हैं तो चुप्सू पब्लिकेशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में ज़्यादा प्रचलित है, और इसमें 2022 के अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब कुछ शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है GK, GS, रीजनिंग, करेंट अफेयर, जो नए COVID-19 से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड सब कुछ पेश किया गया है, ठीक है। और भी नीचे आप देख सकते हैं रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सारा कुछ इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे नए नए 2021 के सारे करंट अफेयर है जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इसके प्रैक्टिस सेट भी नीचे शामिल किए गए हैं कि लड़के लगा सकते हैं, और पिछले साल के भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले जो सेना भर्ती की नई अपडेट है वो आपको दे देते हैं। तो जैसे सबसे पहले नीचे आ जाओ, हमने अभी नोटिस किया है कि पिछले दो साल से, ठीक है, पिछले एक या दो साल से आप लोग को एक भर्ती देखने को मिली है, वो ऑफिसर रैंक पे। ऑफिसर रैंक पे टेटोरियल आर्मी की भी भर्ती आई थी, NDA वगैरह की, CDS वगैरह की सब आ रही हैं, ठीक है, थीके? और जो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास है, लेकिन लड़के उसकी बारे में जानते ही नहीं और उसकी तैयारी करते ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसका सिलेबस कुछ टफ नहीं होता है, उसकी एज लिमिट भी आपको वही होती है 23 और 25, 26, 27 साल तक छूट लेके, ठीक है, लेकिन लड़कों को उसकी जानकारी नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि पिछले 3 साल 4 साल में आई जो भर्तियाँ हैं जिन पर लड़कों ने फॉर्म डाले हैं, और साथ ही साथ जो आर्मी की ऑफिसर रैंक पर भर्ती आ रही है वो कंटिन्यू आ रही है, वो नहीं रुकेगी, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, ठीक है, चाहे COVID-19 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन आर्मी की जो ऑफिसर रैंक की भर्तियाँ हैं आ रही हैं, ठीक है। जो 12th प्लस हैं, 12th पास सारी वैकेंसी आ रही हैं, 12th प्लस में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही हैं जिसकी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पे आपको NDA के लड़कों ने एग्जाम दिया है, NDA का लड़कों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, उससे पहले NCC स्पेशल एंट्री का दिया था लड़के लड़कियों ने, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की भी वैकेंसी आई थी 12th पास, यहाँ पे लड़कों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, वहाँ पे टेक्नीशियन की, जैग मैन वुमेन की, ये LLB वालों के लिए थी, ठीक है। और इससे पहले एक टटोरियल आर्मी की वैकेंसी आई थी, हालांकि 6 महीने पहले, ठीक है। यहां पे आपको टटोरियल आर्मी जो ग्रेजुएशन पास लड़के हैं, जो लड़के रो रहे हैं कि हमारी एज निकल गई है, वो 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन
क्यों नहीं कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद टीए में भाग ले लेना। निरंतर आप अगर प्रयास करते हैं आर्मी में जाने का, तो कई सारा जरिया है जो आप लोग को पता नहीं है। और आज से हम ऑफिसर हैं कि हर एक अपडेट, हर एक वैकेंसी की जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, डिफेंस के उच्च लेवल तक की भी जितनी टेटोरियल आर्मी जो भी आएगी वैकेंसी, हम उसके बताने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है, तो फटाक से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दो। एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, सारे डिफेंस में जितने भी वैकेंसी आने वाली हैं, जो 16 साल से लगाई 30 साल के अंतर्गत लड़के देखते हैं, उन सारी वैकेंसियों को, नहीं इसे 30 नहीं 42 कर लेना, टटोरियल आर्मी 42 देती है। ठीक है, तो 16 साल से लेकर 42 साल के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती हैं, सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे डिफेंस के लेवल की। तो ये आप लोग के लिए समझना आवश्यक है कि अब जब JCO रैंक पर वैकेंसियाँ लेट आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो हमें ऑफिसर रैंक की वैकेंसियों की तैयारी करना चाहिए अगर आर्मी में जाना है तो। ये बात आपको कोई नहीं पूरे यूट्यूब पर बताएगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, देख लेना। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं ऑफिसर रैंक के। सारी काम, सारे कायदे कानून, नियमित रूप से सारे भर्तियां और मेरिट लिस्ट सब कुछ जारी हो रहा है। ये देखो अप्रैल में, अप्रैल ये सब डिक्लेयर हुआ है, सब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुआ है, लड़के ट्रेनिंग पे भी गए, सब कुछ हो रहा है उनका। ठीक है, और आप लोग को JCO रैंक वाले लड़के अभी एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं, उनका एग्जाम का कोई डेट नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे नया नोटिफिकेशन दिखाई नहीं रहा है। कई दिनों से लड़के परेशान है साइट पे भी, बस एक नोटिफिकेशन आया था यहाँ पे कि दलालों से रहें सावधान, फर्जीवाड़ा बड़ा हो रहा है आर्मी के नाम पे। ठीक है, क्योंकि भर्ती आ नहीं रही है और लोग चुतिया बना के लड़कों का पैसा ऐड के बैठ जा रहे हैं। ठीक है, कि हम तुम्हें भर्ती करा देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, इधर उधर का निवास बनवा के, तो उनके झांसे में ना आए। ठीक है, और साथ में अगर आप लोगों ने डाला है BSF कॉन्स्टेबल का फॉर्म, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है छुपसुप पब्लिकेशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट का, जाके तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बुक में पूरा प्रैक्टिस सेट एनालिसिस, कई सारे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट गाइड बुक की तरह हर चैप्टर के बारे में बताया भी गया है, साथ में करेंट अफेयर, GK GS सब कुछ इसमें शामिल किया गया है, सब कुछ आपको मिलेगा A to Z। ठीक है, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, कोई 200 की है तो कोई 100 रुपये की है। गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट आपको 250 में, 220 रुपये में दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, आई होप कि ये जानकारी आप लोग को बढ़िया लगी होगी, और साथ ही मैं आपको जो नई वैकेंसी आने वाली है ऑफिसर रैंक पे उनकी बताएंगी जानकारी, तो उसके लिए फटाक से जुड़ जाओ। ये ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है और ये JCO रैंक के लड़के तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और ये भर्ती निरंतर चल रही है, लगातार चल रही है, तो मैं कहूँगा सारे लड़के दिमाग लगाओ, ऑफिसर रैंक की तैयारी करो। ठीक है, आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फटाक से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने दोस्तों में ये वीडियो फैला दो, ताकि वो लोग भी जागरूक हो जाएं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।